भारत जोड़ो यात्रा अब तक कई राज्यों का सफर तय कर चुकी है। इसी क्रम में ये यात्रा दिल्ली से पहले हरियाणा पहुंची थी। उसी दौरान का ये वीडियो शेयर किया जाने लगा। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने इसे शेयर करते हुए दावा किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह झुककर राहुल गांधी के जूते का फीता बांध रहे हैं। ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तंज कसा। अमित मालवीय के मुताबिक राहुल गांधी ने जितेंद्र सिंह की मदद करने के बजाय उनकी पीठ थपथपाई। भाजपा चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सुद ने ये क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा कि यही है वो गुलामी मानसिकता जिसने देश को बर्बाद किया है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया। वहीं बीजेपी राजस्थान ने दो वीडियो का ये कॉलाज बनाकर शेयर किया। इसे शेयर करते हुए दोनों नेताओं के संस्कारों की बात की गई है। इसी वीडियो को राजस्थान के विधायक गोपीचंद मीणा ने भी शेयर किया है। फ्री प्रेस जनरल ने ये रिपोर्ट पब्लिश की जिसकी हेडलाइन में ऐसा ही दावा किया गया था। तो क्या है इस दावे की सच्चाई? क्या जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के जूते का फीता बांधा? इस दावे के बाद जितेंद्र सिंह ने खुद ट्विटर पर अमित मालवीय के दावों का खंडन किया। उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की जिसमें उन्हें खुद के जूते का फीता बांधते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी दूसरे एंगल से ली गई क्लिप अपलोड की। इसमें जितेंद्र सिंह को साफ तौर पर झुककर अपने जूते का फीता बांधते हुए देखा जा सकता है। जितेंद्र सिंह ने अमित मालवीय के ट्वीट को कोट्वीट करते हुए कहा कि उनका ट्वीट पूरी तरह झूठ और मानहानि करने वाला है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने उनके अनुरोध पर मार्च को कुछ समय के लिए रोक दिया था ताकि वो अपने जूतों का फीता बांध सके। उन्होंने आगे मांग की कि अमित मालवीय अपना ट्वीट डिलीट करें और राहुल गांधी से माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करे। कांग्रेस पार्टी ने जितेंद्र सिंह का ये वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें वो इस बारे में ये बयान दे रहे हैं। जो घटना हुई थी उसमें ये हुआ था कि मैं चल रहा था और मेरे लेस खुले हुए थे, मुझे इसका कोई आभास नहीं हुआ। राहुल जी ने मुझे पीछे से आवाज दी और उन्हें कहा कि आपके लेस खुले हैं, आप गिर जाओगे। और उसके बाद मैंने देखे तो मैंने राहुल जी से कहा कि आप दो मिनट रुक जाइए क्योंकि पीछे से भीड़ आ जाएगी और वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, इसलिए आप रुक जाइए। तो वो रुक गए, मैंने अपने लेस बांधे और मैं आगे चल दिया। लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि राहुल जी ने जो जूते पहन रखे हैं उसमें लेस ही नहीं है, वो उनका तो लेस ही बिना लेस वाला जूता है, तो वो किसके बांधेंगे? तो आप सोचिए कि कितनी झूठी इस तरह का ये बात चलाते हैं। ये इसलिए चला रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ गए हैं। और मैंने मालवीय साहब को कहा है कि मैं उसकी उनके ऊपर डेफेमेशन केस करूंगा, तुरंत इसको पोस्ट को हटाना चाहिए, माफी राहुल गांधी जी से मांगनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के जूतों की ये तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें फीता नहीं है। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक अमित मालवीय या गलत दावा करने वाले किसी भी नेता ने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया है। ये पहली बार नहीं है जब अमित मालवीय ने गलत दावा किया हो। ऑल्ट न्यूज ने उनके द्वारा फैलाए गए गलत दावों के बारे में ये डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी।